दोस्तों तेज कंप्यूटर कौन पसंद नहीं करता। हम में से सब लोग आज चाहते हैं कि हमें तेज से तेज कंप्यूटर मिले जिससे हम अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड हासिल कर सके और उसे हम अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या फैक्टर्स हैं कि हम अच्छे से अच्छी स्पीड हासिल कर सके, तो आज मैं इसी बारे में डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो के साथ ही रहें। तो दोस्तों मेरा नाम है वकी हैदर और मैं आपको वक्त टेक चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला हमारे पास जो यहाँ पे फैक्टर्स है वो है रजिस्टर्स। अब यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे देखें तो आपको वहां पे जगह जगह पे रजिस्टर्स देखने को मिलेंगे और वो रजिस्टर्स अपनी कुछ वैल्यू रखते हैं, अपनी कुछ मेमोरी रखते हैं, अपने कुछ साइजेस रखते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास एक रजिस्टर है जो कि मदरबोर्ड पे है, उस वो 32 बिट तक के डाटा को आगे ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक वक्त में जो वो रजिस्टर है वो 32 बिट तक के ही डाटा को आगे ट्रांसफर कर पाएगा। इससे ज्यादा अगर डाटा उसे मिलेगा भी तो वो उसे आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा 64 बिट के डाटा को, यानी कि वो आगे ट्रांसफर नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको बेहतरीन स्पीड नहीं मिलेगी। क्योंकि 32 बिट जितना कि आप जानते हैं 64 बिट से आपको कम स्पीड ही देगा। तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके पीसी में जो भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं वो 64 बिट सपोर्टेड हो, ना कि 32 बिट। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है वो है हमारे पास रैम, जो कि है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि रैम की, तो रैम काम किस तरह करती है। रैम इस तरह से काम करते हैं कि फर्ज करें कि आप अपने कंप्यूटर चला रहे हैं और वहां पे आपने एक सॉफ्टवेयर ओपन करना है जिसका नाम है अडोब फोटोशॉप। सबसे पहले आप अडोब फोटोशॉप को ओपन करते हैं अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव से, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर कहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। तो वहां से आपको सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर जाएगा रैम के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रैम का यहाँ पे क्या काम है। रैम के अंदर मेमोरी होती है, जिस तरह कि आप जानते हैं 512 MB, 1 GB, 2 GB और जितना आप बढ़ाते जाएं आप बढ़ा सकते हैं। अब जितनी मेमोरी ज्यादा होगी उतनी अच्छी तरह से आप रैम के अंदर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फर्ज करें कि आपने Adobe Photoshop खोलने से पहले एक गेम खोली हुई है, गेम ओपन की हुई है, जो कि आपकी रैम का 90% तक हिस्सा पहले ही समेट कर बैठी है, यानी वो 90% हिस्से पर ही काम कर रही है। तो आप Adobe Photoshop खोलेंगे और उसे आपकी रैम का 50% हिस्सा चाहिए। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपको कितनी स्पीड चाहिए उस Adobe Photoshop सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए, अगर आप वो गेम को भी साथ साथ रन करना चाहते हैं तो। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपको बेटर रैम चाहिए बेटर डाटा प्रोसेसिंग के लिए, बेटर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए और एक वक्त में मल्टीटास्किंग करने के लिए। थर्ड नंबर पे जो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर है वो है सिस्टम क्लॉक का। अब आप यहाँ पे वो सीमो सेल पे मत जाइएगा, जो कि आपको सीमो सेल मिलता है और आपके सिस्टम की एक क्लॉक होती है जो कि बेसिकली हर एक क्लॉक की तरह होती है, जो कि 60 सेकंड होते हैं पर मिनट में। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिस्टम क्लॉक आपका सीपीयू के अंदर, आपके सॉरी मदरबोर्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर टिकलिंग करता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टिकलिंग की, तो वो कुछ इस तरह से है कि आपके जिस्म में, जैसे कि आपका दिल है, आपका दिल एक मिनट में तकरीबन 72 बार धड़कता है, इसी तरह से कंप्यूटर के लिए वो सिस्टम क्लॉक उसका दिल है, उसका हार्ट है। तो वो जितने बार टिकलिंग करेगा उतना उसके लिए बेहतरीन होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमने 1 इंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करना है तो हमें कितनी टिकलिंग लगेंगी। अब अगर टिकलिंग की बात करें तो 1 to 6 टिक होंगे, तब जाके आपकी एक ट्रांजेक्शन प्रोसीड होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सिस्टम क्लॉक जितनी फास्ट होगी, जितनी एफिशियंट होगी, ऐसा ना हो कि 1 to 6 टिकलिंग तो कर ली, उसके बाद स्टॉप, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम बाद टिकलिंग स्टार्ट कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उसके अलावा वो फास्ट होनी चाहिए। जितनी वो फास्ट होगी उतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को आप प्रोसीड एक ही वक्त में कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो अगले हमारे पास फैक्टर है वो है कंप्यूटर बसेस। अब यहाँ पे बसेज आप वो ना समझे कि जो बड़ी बड़ी बसेज आपको रोड के ऊपर मिलती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों का काम क्या है। जिस तरह के ट्रांसपोर्ट बसेज होते हैं जो कि आपको रोड पे मिलती हैं, उनका काम है कि पैसेंजर्स को एक स्टॉप से वो पिक करेंगी और सेकेंड स्टॉप पे वो ड्रॉप कर देंगी। इसी तरह से कंप्यूटर बसेज भी काम करती हैं। किस तरह से, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दी अपने सीपीयू को, अपने कंप्यूटर को, तो वो प्रोसीड सिर्फ एक जगह पर ही नहीं जाएगी होने के लिए, वो सीपीयू में भी जाएगी, उसके प्रोसेसर में भी, रैम में भी, उसके अलावा स्टोरेज में भी जाएगी। तो वो किस तरह से जाएगी, वो कंप्यूटर बसेस के जरिए से ही जाएगी। अब कंप्यूटर बसेस क्या है, वो ये है कि जो उनके दरमियान कनेक्टिविटी है, उनके दरमियान जो रास्ते हैं, वो है कंप्यूटर बसेस। अब आप यहाँ पे देखें, अगर आपको मदरबोर्ड पे कई जगह पे ट्रांसफर के लिए कुछ लाइंस मिलेंगी, वो लाइंस कहलाते हैं कंप्यूटर बसेस। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंप्यूटर बसेस के जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतने ही ज्यादा वो एफिशिएंटली काम कर सकेंगी और उतना ही ज्यादा डाटा को वो ट्रांसफर कर पाएंगी एक टाइम में।
तो कंप्यूटर बसेस की जितनी ज्यादा विथ होगी उतना ही अच्छा आप वो डाटा ट्रांसफर कर पाएंगी। उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं इसके अंदर जो कि डिपेंड करते हैं कंप्यूटर की स्पीड के लिए, लेकिन सिर्फ अभी मैं सिंपल बात करूंगा, कंप्यूटर बसेस जितनी अच्छी विथ में होंगी, जितनी ज्यादा होंगी, जितनी की लाइंस ज्यादा होंगी, उतना वो ज्यादा डाटा एक वक्त में ट्रांसफर कर पाएंगी एक जगह से दूसरी जगह पे। और वो जगह है सीपीयू, रैम, स्टोरेज डिवाइसेस और इसके अलावा और जो कंपोनेंट आपको अपने कंप्यूटर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट फैक्टर है वो है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी के बारे में आप जानते हैं कि ये रैम से काफी ज्यादा फास्ट और एफिशियंट होती है। अगर आपके पास फर्ज करता हूँ मैं यहाँ पे रैम है 512 MB यानी मेगाबाइट्स की, तो आपके पास अगर कैशे मेमोरी 16 या 64 MB की होगी तो वो आपकी रैम से ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएगी। कैशे मेमोरी का काम किस तरह से है, वो इस तरह से है कि आप जो एक तरह की इंस्ट्रक्शंस बाबा पीसीस को देते हैं वो अपने अंदर स्टोर करती हैं और उसके बाद जब आपको दोबारा वो काम करना होता है तो वो आपको एफिशिएंटली स्पीड से आपका वो काम कर देती हैं, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शंस आप पहले डन कर चुके होते हैं, इसलिए वो ज्यादा फास्ट होती हैं, ज्यादा एफिशिएंट होती हैं रैम के जरिए, क्योंकि रैम ने सिर्फ आपका वो ही काम करना है, वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो कि आप उस वक्त डन कर रहे हैं, लेकिन कैश मेमोरी ने वो सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, वो सब इंस्ट्रक्शंस को अपने पास स्टोर करना है जो कि आप पास्ट में भी करते आते हैं, यानी कि थोड़ा वक्त पहले आपने पीसी को ऑन किया तो उस टाइम से लेकर अब तक आपने जो जो भी काम किए वो कैश मेमोरी आपकी स्टोर करती है। अब जितनी ज्यादा आपको कैश मेमोरी यहाँ पे मिलेगी उतना ही ज्यादा आपका कंप्यूटर अच्छा एफिशिएंट होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि 64 MB की कैश मेमोरी आपको मिले तो वो कैसी है, मैं आपको बता दूं कि वो कैश मेमोरी काफी अच्छी है कंपैरेटिवली 512 MB और 1 GB यानी 1 GB रैम के, यानी कि अगर आपको 64 MB की कैश मेमोरी मिलती है तो वो बेस्ट है आपके सीपीयू के लिए अगर आप यहाँ पे 1 GB तक की रैम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए जो कि डिपेंड करते हैं आपकी कंप्यूटर की स्पीड के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने आपको यहाँ पे 5 या 6 फैक्टर्स बताए हैं तो ये सब के सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर की स्पीड के लिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे देखिए कि अच्छा आपने कैश मेमोरी बढ़ा दी, रैम आपकी वही है, या फिर आपने यहाँ पे कंप्यूटर बसेस के लिए तो इंतजाम कर लिया कि वहां वो ज्यादा लाइंस भी आपको मिल जाए उसके अंदर और उसके अलावा आपको विथ भी ज्यादा मिल जाए, लेकिन आपकी रैम वही है, आपकी कैश मेमोरी वही है, तो ये सब फैक्टर्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और जब तक आप इन सब फैक्टर्स को मिला जुलाकर एक अच्छा सीपीयू तैयार नहीं करते आपको अच्छी स्पीड नहीं मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर इनमें से आप एक चीज को इंक्रीज करेंगे तो इम्प्रूवमेंट तो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इम्प्रूवमेंट इतनी मिलेगी कि आपके बस छप्पड़ फाड़ के आपकी सारी की सारी स्पीड आपके पास आ जाएगी और आप एफिशिएंटली हर एक काम कर सकेंगे, आपको सब चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा उनके मुताबिक। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, अभी के लिए सिर्फ इतना ही।